एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो आज का व्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है। तो जैसे ये ऑफिस से आए एंड आज ही था जो ये ऑफिस गए फुल फ्लेज हमारे बिना। उस दिन तो हम लोग चले गए थे तो बच्चे जो है बड़ा बच्चे मतलब आदित्य अभी स्कूल चले गया। तो अभिषेक बहुत बोर हो रहा था तो सुबह से पूछ रहा था कि डैडी कब आएंगे करके पूछे जा रहा था। और जैसे ही आए फिर अपने पापा से पूछने लगा, डैडी बाहर लेके जाओगे क्या करके ऐसे बोलने लगा। तो इसलिए हम लोग जो है जैसे थे वैसे ही कपड़ों में बैठ गए। मैंने ये जो मैक्सी ड्रेस टाइप की है जो शीन की वो पहन रखी है। और ये वाली इसलिए पहनी क्योंकि आज जो है मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है। बारिश भी हुई थी थोड़ी सुबह थोड़ी ड्रिजलिंग सी थोड़ी देर हुई और धूप इतनी खास आई नहीं। और घर में भी थोड़ा एसी चल रहा था ठंडी लगी। मैं चलो ये पहन लेते हैं तो ये पहन लिया। अभी हम ऐसे ही चक्कर मार रहे थे और रास्ते में फिर से जो है इन्होंने दो फिशेस ले लिए। इसके अंदर है ये देखो दो फिशेस इसके अंदर है। टिंग 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 तो ये दोनों फिशेस ली फिर घर जाने वाले थे। मैंने सोचा चलो पानी पूरी खाते हैं करके। तो रास्ते में शवरमा बर्गर दिख गया आदित्य को। फिर उसने बोला कि नहीं खाना है। तो अब अभी हम यहाँ पे आ गए हैं शवरमा और बर्गर। काफ़ी दिन हो गए खा के भी। काफ़ी दिन क्या पूरा महीना ही हो गया खाया नहीं हमने। महीना मतलब उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो अभी हमने वहाँ पर ऑर्डर दिया है, बन के आएगा तो उसको भी थोड़ा चट कर लेंगे। अभी दो तीन दिन जो है मुझे भी क्रेविंग्स थी ना वो फुलफिल कर रहे हैं। आदित्य वाई आर यू डूइंग लाइक दैट। तो चलिए अभी खाने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो शवरमा आ चुका है और बर्गर भी आने वाला है। तो अभिषेक जो है बहुत ये बोल रहा था कि खाना है लेकिन शवरमा में जो है थोड़ा चिकन एंड वो बहुत स्पाइसी ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जब भी आते हैं तो शवरमा की जो चपाती होती है वो और थोड़ा सा मेयोनीज लेके मैं उसको खिलाती हूँ। तो वो रोटी टाइप उसमें चपाती इसलिए बोलते रहता है। तो इसलिए मांगे जा रहा था आप लोग ये मत सोचना कि मैं खाई जा रही हूँ और उसको नहीं खिला रही हूँ। अभी थोड़ी देर में उसका आइटम भी आने वाला है। तो अभी बर्गर आएगा और उसके बाद उसका आएगा तो देखने वो कितना खुश हो जाएगा। तो घर पे आते ही सबसे पहले फिशेस को एक्वेरियम में डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर जो है फिशेस ऐसे कवर में रहेंगी तो वो मर भी सकती हैं। कुछ एक घंटे तक तो ठीक है बट एक घंटे के अंदर या एक घंटे के आसपास जो है जितनी जल्दी आप उसको अपने एक्वेरियम में डाल दो वो बेटर है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन सारी सप्लाई होती है तो उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हमने देखी ये ऑरेंज कलर की जो आपको ब्लैक स्पॉट्स के साथ दिख रही है वो डाली है। एंड काफ़ी अभी जो है एक्वेरियम थोड़ा कलरफुल लग ब्लैक वाइट ऑरेंज गोल्ड कलर ये सब कुछ मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है ना लोग अभी। सो यहाँ पे आज की रात ख़त्म होती है एंड गुड मॉर्निंग। सो सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो जो इडली का जो बैटर था उससे मैंने कल इडली बनाई थी, आज उसी से मैं दो मतलब छोटे छोटे क्या उत्तपम बोल लीजिए या पैन केक्स बोल लीजिए या छोटे दो से थोड़े से मोटे टाइप में अच्छे लगते हैं ऐसे वो बनाती हूँ। क्योंकि लगातार अगर हम लोग जो है इडली या कोई भी चीज़ लगातार खाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए मैं ऐसे एक ही बैटर से थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। कभी उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ, प्याज और मिर्ची धनिया, तब भी काफ़ी अच्छा लगता है। उत्तपम बोलते हैं उसको। तो इडली का जो बैटर होता है ना उसको जब आप तवे पे डालेंगे तो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है कंपैरेटिवली डोसा बैटर के। तो इसलिए उसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज घुमाने से वो स्प्रेड होता है आराम से। तो अभी मैं इनको सर्व कर रही हूँ
एंड हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। पर मैं मम्मी के घर गई थी तब गर्म पानी नहीं पिया था, क्योंकि ये वाला केटल वहीं का है जो यहाँ पे आ चुका है, और वहाँ पे तो वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ठंडा पानी पी लिया था। अब यहाँ पे अपना अरेंज करके रखते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है, तो अभी मैं भी और ये भी दोनों गर्म पानी ही पीते हैं। तो गर्म पानी होने के लिए रखा है और टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर नॉर्मल पानी मिलाना पड़ता है, इसलिए उसको टच करने से पता लग जाता है कि हाँ अभी सफिशेंट है कि नहीं करके। तो यहाँ पे नाश्ता भी ख़त्म होने वाला है इनका, इसके बाद मैं भी खा लूँगी। आदित्य स्कूल जा चुका है, अभिषेक अभी तक सो के नहीं उठा है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के साथ कुछ बिल पेमेंट्स भी चल रहे हैं, जो जो ऑनलाइन हो सकते थे वो तो मैंने ऑनलाइन पे कर दिए, एंड कुछ बिल्स जो होते हैं जो घर आके ही लेते हैं। तो ये नाश्ता कर रहे थे, इसी दौरान जो है दूध का बिल लेने के लिए आए थे, तो वो बिल भी मैंने पे कर दिया, और नेट के बिल वाले भी आए थे वो भी मैंने कल पे किया था, तो इस तरह से चल रहा था। तो आदित्य को स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया है, क्योंकि जो रेगुलर ऑटो वाले भैया हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। एक मिनट, पहले मैं दरवाज़े बंद कर लेती हूँ। पता लाइट पहले बुझा दी मैंने। कम पता। तो मैं काम में बिजी हो गई, मैंने टाइम नहीं देखा, लव भी टाइम है पर थोड़ा इत्मीनान से निकलते तो अच्छा होता। हाँ इसको इसको ना पता। तो फटाफट मैंने नहाया है एंड उसके बाद जो है अभी निकल रहे हैं। चलो। Beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. तो आदित्य ने जो नहीं लिखा था अभी लास्ट मोमेंट में बैठ के लिख रहा है वो। सर भी यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, बोला कंप्लीट करने के बाद ही, अभी तक खेलता रह रहा था, और लास्ट मोमेंट में वो जब टीचर ने आई मीन सर ने बोला कि नहीं जाने दूंगा तब वो लिख रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the ways. Started vlogging in barish, क्योंकि मुझे, मैं रोड पे बच्चों को लेके जा रही थी और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली है जिन्होंने मुझे देख के अपनी गाड़ी रोकी है, एंड शी वॉज वेटिंग, मास्क लगा के रखा था, तो उन्होंने बोला चलो एक सेल्फी लेते। मैं बोला चलो इनको भी अपने वीडियो में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो वॉट्स योर नेम? मनी। मनी, शी इज़ मनी। तो विजयवाड़ा में रहते हैं ये भी। हम लोग भीग रहे हैं अभी, पहले व्लॉगिंग बंद करके कार पे चढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। बारिश की साउंड आपको सुनाई दे रही है, हम लोग भीग चुके हैं, मेरे बाल उसके हाथ में आ गए, एंड जो सब्सक्राइबर मिली उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि वो बाइक पे थी और मैं चल रही थी। अभिषेक को उठाना पड़ा तो मैं भाग के अभी अंदर आके बैठी हूँ, एंड
अभी घर जा रहे हैं तो अरे आग रहा, ये पहले गाने लगा दे। चलिए घर जाके बात करते हैं, अभी लेट हो रहा है। और आज हमने सोचा था स्विमिंग भी जाएंगे, आने के बाद गए नहीं, तो बारिश में स्विमिंग होगी कि कैंसिल हो जाएगी पता नहीं। लेट्स सी, लेट्स गो। तो देखिए घर आने तक क्या हालत हो चुकी है, थोड़ा पसीना है, थोड़ा सा बारिश का जो गीला है उसकी वजह से गीले हो गए। फाइनली आ गए हैं एंड स्विमिंग के लिए अभी एक घंटा और बाकी है, तो होगा कि नहीं पता नहीं, स्विमिंग फ़ोन करके पता करूँगी, स्विमिंग वहाँ के जो सर रहते हैं उनसे पता करूँगी, अगर होगा तो जाएंगे, बिकॉज आई डेस्परेटली नीड इट। मेरा बहुत मन कर रहा है क्योंकि इतने दिन से कोई फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज भी नहीं करी वहाँ पे। हैदराबाद में जो है एक बार ही गई मैं, स्विमिंग पूल पसंद नहीं आया, उसके बाद नहीं गई। घर में रोज़ सोचती थी मैं वहाँ पे कि सुबह उठ के वॉकिंग पे जाएंगे, तो वॉकिंग इज़ समथिंग यू नो आई फील दैट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि रात को सोते टाइम लेट हो जाता है एंड सुबह उठ के करना मुश्किल। मतलब वॉकिंग करने में दिक्कत नहीं है, सुबह उठने में दिक्कत है। ओके गो। अभी जैसे ही घर आए हैं दोनों को जो है एक एक दोनों ने वॉशरूम पकड़ लिया, अभिषेक ने एक पकड़ लिया और आदित्य ने एक पकड़ लिया। अभिषेक तो ओनली टॉयलेट के लिए गया है, लेकिन पूरी तरह हल्का होने के लिए आदित्य गया है। हाँ बहुत बारिश में भी इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, देखो पसीना कैसे आने लग रहा है। सो एक बार सर को भी फ़ोन कर लेती हूँ मैं, तसल्ली हो जाएगी जाना है नहीं, तो सीधा सीधा मैं स्विमिंग ड्रेस पहनूँ या घर के कपड़े पहनूँ उसका डिसीजन हो जाएगा। चलो मैं अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ चुकी हूँ। हाँ ओके, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश बंद हो चुकी है और मैंने सर को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला आ जाओ मैडम करके, तो इसलिए मैं कॉस्ट्यूम में आ चुकी हूँ। और मेरे को पहनने के बाद ही एक बहुत अच्छा फील आ रहा है कि फाइनली आई एम गोइंग करके। इतने दिन जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना, मुझे स्विमिंग की क्रेविंग हो गई थी। एंड ये देखो हाई करने में लगा हुआ है। ओके लेट्स गो, इट्स ऑलरेडी टाइम। तो आज की ये जो स्विमिंग है, ये पूरी शूटिंग मतलब पूरी मतलब थोड़ी देर की आदित्य ने ही करी थी, एंड इससे पहले भी जब मैं ड्राइव कर रही थी वो भी उसने ही करी थी। तो मेरे बेटे में जो है दम है, अच्छी शूटिंग कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इतने प्रॉपरली शूट नहीं करते हैं, जब वो करते हैं तो एकदम हेजी हेजी सा आ जाता है। लेकिन आई अप्रिशिएट कि आदित्य ने अच्छे से शूट किया। मैंने बोला तो थोड़ा सा निकाल लेना जब मैं डाइव वाइव मारूँ, तो उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कुछ ज़्यादा ही वीडियो निकाल दिया, तो जो हेल्पफुल हो गया आप लोग के लिए भी। मैं हमेशा दिखाना सोचती थी आपको, तो थोड़ा दिखा दिया। एंड इससे पहले जो न्यूज़ चैनल वाले आए थे उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन उन्होंने चैनल में पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आया था, बोल रहे थे वो लोग कि डाला नहीं। मे भी दोबारा आएंगे वो लोग इंटरव्यू के लिए, उसके बाद डालेंगे शायद, पता नहीं। एंड इसके बाद जो है आज पहला दिन था, तो इतना ज़्यादा मैंने मतलब किया, लेकिन जैसे मैं पूरे लैप्स जो है 16 लैप्स कवर करती थी, आज 10 लैप्स ही कवर कर रहे थे। तो अभी हमारी स्विमिंग हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं घर को। स्विमिंग ख़त्म एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, एंड वो अच्छी वाली गुड वाली फील आ रही है। एंड अब फिर से टैन होने वाले हैं, जब मैं गई थी तब तो थोड़ी थोड़ी रिपलिंग हो रही थी, लेकिन बाद में आदित्य कॉटन का मम्मी, लेकिन बाद में जो है पूरी रुक गई एंड धूप भी आ गई उसके बाद। अरे लेकिन वाटर में आज इतना ज़्यादा क्लोरीन था कि जब क्लोरीन ज़्यादा होता है ना वाटर में, तो दांत ऐसे लगते हैं जैसे हम कोई खट्टी चीज़ खा लेते तो दांत कैसे सरकते नहीं है ना, वैसे वैसे वाली फीलिंग हो रही थी। तो चलिए अभी घर चलते हैं, पहले भूख लगनी शुरू हो चुकी है, दोपहर को भी मैंने सही से खाया नहीं था।
घर वापस आते ही जो है इन लोग को फ्रेश अप कराने के बाद अभिषेक तो बहुत नींद आ रहे थे, सुबह बहुत जल्दी उठ गया और पूरा दिन जो है बिल्कुल बीच में सोया नहीं। तो उसको अगर सोना है तो दूध देना पड़ता है, एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि बॉटल बंद करो, लेकिन टाइम के साथ अपने आप छोड़ ही देगा। फ़िलहाल दूध पी के थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके उसके बाद खाना खिला दूँगी, बस ख़त्म। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Hello. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी बच्चों को मैं सुला चुकी हूँ, उनको खाना भी खिला दिया है, एंड मेरे हस्बैंड जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि मेरा भी वर्कआउट शुरू हुआ तो इनका भी शुरू हो ही गया। मतलब जब मैं नहीं थी तब भी ये कर ही रहे थे, और ऑफिस से आने के बाद ही टाइम मिलता है इनको थोड़ा बहुत कसरत करने का, तो अभी कर रहे हैं। एंड अभी हमने थोड़ा बहुत कुछ खाना है, भूख बड़ी लग रही है। आने के बाद मैंने बोला तो खाऊंगी, बच्चों को खिलाया, उसके बाद मेरी भूख मर गई। अभी फिर जब वो सो गए तब भूख जाग चुकी है, तो अभी थोड़ा खा पी के फिर बस सोना है। आज का रूटीन यही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, आज का व्लॉग अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले चिपका दीजिए, देखते तो रहेंगे ही आप, तो इसलिए मैं याद दिलाती हूँ हमेशा लास्ट में कि अब कुछ बाकी नहीं है, अब तो चिपका ही सकते हैं। तो चिपका दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपकी बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी एंजॉय करेंगे ना। तो शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजा के। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम। तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558। तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन। तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीज़। ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो डाउनलोड नाउ एंड एन्जॉय योर अर्निंग्स।